कुमारपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 5 युवतियां और 4 युवकों सहित स्पा के मालिक को पकड़ा। पकड़े गए 4 युवतियां विदेशी और 1 युवती नागालैंड की है। प्रशिक्षु आरपीएस सीमा चौहान ने बताया कि पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि गुमानपुरा के पॉश मार्केट में स्थित सेंट्रल स्क्वायर मॉल में स्थित सौंदर्यम स्पा पार्लर में स्पा की आड़ में देव व्यापार चल रहा है। सूचना पर गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 5 युवतियों और 4 युवकों के अलावा स्पा के मालिक राजेश माधवानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना क्षेत्र में सेंट्रल स्क्वायर मॉल है, वहाँ पे स्पा की स्पा में हमने देखा कि वहाँ पे अवैध देह व्यापार की हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कुकबीर से, तो इसमें हमने कार्रवाई की। तो उसमें 5 तो लड़कियाँ हैं जिसमें 4 नागालैंड की हैं, सॉरी 1 नागालैंड की इंडियन है और 4 हैं वो थाईलैंड से हैं, विदेशी हैं। और ये यहाँ पर एक तरह से मसाज, इस तरह से अवैध देह व्यापार का कार्य हो रहा था और इसका की कार्रवाई की गई है। इसका जो मालिक है वो राजेश माधवानी, ये यहाँ पर सिंधी है, ये गुरु नानक कॉलोनी गुमानपुरा यहाँ के निवासी हैं ये, और बेसिकली ये बूंदी के हैं, ठीक है। अभी गुमानपुरा थाना क्षेत्र में इनको पकड़ा गया है। और इसके अलावा 4 ग्राहक हैं जिसमें लोकेश कर्नाटका से है, राहुल नयापुरा कोटा से है, रजत कुमार बूंदी से है, विकास बारा से है। ये 4 कस्टमर हमने वहाँ पे पकड़े हैं, रेड हैंडेड पकड़ा है। सूचना मैं खुद थी वहाँ पे उपस्थित, जिसमें हमारी टीम है जिसमें गुमानपुरा से, अनंतपुरा से स्पेशल टीम है और एक हमारी CO4 ऑफिस से भी टीम है।